वेलकम टू रिशिता'स किचन। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से बने गुलाब जामुन, जो बहुत ही टेस्टी और 20 मिनट में बन भी जाते हैं। चलो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। यहाँ पे हमें चाहिए कुछ ब्रेड जिनकी साइज कटी हुई हो, थोड़ा सा दूध जिससे आप ब्रेड को मल सके, एक कप चीनी और जितना चीनी उतना ही पानी, यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पीसी हुई, ज्यादा पीसी हुई भी नहीं बट हाँ, और थोड़ा सा केसर और घी टू फ्राई। आइए अब हम सबसे पहले चाशनी बनाते हैं। अब हमारी जो एक कप चीनी थी और एक कप पानी था, उसको हम एक टोपिए में डाल लेंगे और फिर गैस में चढ़ा देंगे और चाशनी बना लेंगे। अब जितने चाशनी बन रही है, हम ब्रेड का डो बना लेते हैं। पहले जिसकी साइड कटी हुई हो वो ब्रेड ले लो, उसको ऐसे ऐसे छोटा छोटा तोड़ दो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डालो, क्योंकि ब्रेड इतना दूध अब्सॉर्ब नहीं करता है, तो ज्यादा दूध डालेंगे तो वो भयंकर गीला लग जाएगा। और फिर उसको आटे जैसे एज अ डो लगा लो, ऐसे जब आटे जैसे लगाएंगे तब ब्रेड को थोड़ा तोड़ते भी रहिए। आपको लग रहा है, ये देखिए चाशनी हमारी बबल हो रही है। अब इसको एज ए पूरा डो बना लीजिए इसका। थोड़ा सा और, तो मेरा दूध इतना नहीं लगा है, एकदम थोड़ा सा ही लगा है। याद रहिए ये जो डो है ये ज्यादा वो नहीं होना चाहिए गीला। अब हम इसको आटे जैसे मसल लेंगे। और ये हमारा डो बन गया है। अब हम इनके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ये आप देख सकते हो, ये हमारे छोटे छोटे गोले बन गए। अब आप ये देख सकते हो हमारी चाशनी तैयार है। ये बबल हो रही है, हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और घी लगा देंगे, घी को गर्म कर लेंगे हम। अब इन गोले को पूरा करते हैं। ध्यान रहे आपकी चाशनी जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जलगी तो जला जला टेस्ट आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मेरी सारी बॉल्स बन गई है। अब हम इनको, जो हमने घी गरम कर ली है, अब हम इन बॉल्स को घी में डाल देंगे। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन जब तक होए तब तक पका लेंगे। देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको इसमें निकालेंगे। अब ये हमारे इसमें निकल गए हैं। अब हम इनको हमारी जो हमारी चाशनी बनाई थी हमने उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अब हम इनको एक सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश करेंगे। थोड़ा सा चाशनी भी डाल देंगे
और इलायची डाल देंगे और केसर इतना थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं, और इलायची। चाशनी में हमने केसर और इलायची नहीं मिलाया है, तो हम ये चाशनी दूसरी चीज में भी ले सकते हैं। और ये देखिए हमारी बन गई है अब गुलाब जामुन ब्रेड से बनी हुई, वो भी इतनी डिलीशियस और भयंकर जल्दी भी बन जाती है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू।